भाई फाइनली नैनीताल पहुंच गया और यहां पर हमें 110 रुपये की पर्ची कटवानी पड़ी है गाड़ी को अंदर ले जाने के लिए। अब सबसे पहले तो पार्किंग में जाऊंगा, पार्किंग ढूंढने के बाद जो है उसके बाद जाऊंगा बोटिंग करने के लिए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बताता रहूंगा। और फाइनली हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि यहाँ पर पूरा घूम लेने के बाद हम लोग जाएंगे नीम करौली बाबा के दर्शन करने के लिए, उसके बाद फिर वापस दिल्ली लौटेंगे। तो सबकी वीडियो मैंने देना है वहाँ पर, तो आप लोग उस वीडियो को भी जा करके ज़रूर देखिएगा। तो फाइनली अब चलते हैं पार्किंग में, गाड़ी लगा देते हैं। अब देखो पार्किंग में लगा दिया है गाड़ी, अब देखो 120 रुपये का मुझे पार्किंग देना पड़ा यहाँ पर। और सबसे पहले हम लोग चलते हैं अब बोटिंग करने के लिए। तो देखो बोटिंग में दो चार्जेज हैं, एक 320 का और दूसरा 420 का। 320 में थोड़ा कम घुमाता है और 420 में बस 100 मीटर ज़्यादा मान के चलो आपको घुमाता है। तो आप जिस तरह से चाहो उस तरह से बोटिंग कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर बोटिंग करने में ना बाकी पूरे देश में बोटिंग करने से ज़्यादा अच्छा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि सीनरी बहुत अच्छा आता है। और ख़ास करके जब आप इसको देखोगे, अगर स्लोमो में अगर इसको देखोगे आप इसकी बोटिंग को, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर वीडियो में भी आप देखोगे तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा पोर्शन दे रखा है स्लोमो में, तो आप उसको ज़रूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं बोटिंग करने के लिए। ये थोड़ा सा स्लोमो को ही मैंने फास्ट कर रखा है इसमें। आधा जो है ना ये झील घुमाएगा, 420 में था पूरा झील घुमाने का। बस बोटिंग करते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ता है अपने मोबाइल का, इसलिए मैंने ज़्यादा कोई सूट वगैरह नहीं किया क्योंकि मोबाइल के गिरने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है और इतनी गहरी है कि इसमें से कभी कोई निकाल भी नहीं पाएगा। आकर्ष कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, कहीं हमारी बोट नहीं चला। क्या ये हिल भाई, हवा तेरा तुम कर रहा है, हिल गए तो। धूप तो काफी है लेकिन ये है कि ठंडी ठंडी हवा बह रही है। भाई दिल्ली से नैनीताल की जो बाइक कार वीडियो है जिसमें क्या रोड कंडीशंस है, कितना टोटल एक्सपेंसेस आते हैं, फ्यूल एक्सपेंसेस आते हैं, सब की वीडियो डाल रखा है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को।